हे गाइस, वेलकम बैक टू गोयल फैमिली फूड एंड व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा मेरे मायके से। मैं आई हुई हूँ अपने मायके, क्यों? क्योंकि हमें जाना है टूर पर। अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 का और हम सभी उठ चुके हैं। सबसे पहला काम बिस्तरे तय लगाना। बिस्तरे तय लगा कर मैं आ गई हूँ नीचे। गाइस, नीचे हमारी दुकान है और ऊपर घर। अब मुझे फटाफट होना है तैयार। मुझे ही नहीं, सभी को होना है तैयार। तो लग जाते हैं फटाफट नहाने धोने के काम में। हमारे साथ हमारे भाई भाभी भी जा रहे हैं। हमारा प्लान है हरिद्वार टू ऋषिकेश और ऋषिकेश से देवप्रयाग। गाइस, औरों का तो पता नहीं लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार। तो फिर देर किस बात की, चलो घूमने चलते हैं। ओहो, सामान तो रखना भूल ही गए। हमने बाकी सारा सामान तो रख लिया था लेकिन खाने पीने का सामान और मेरा ट्राइपॉड रह गया था बाहर। गाइस, ये टूर का मेरा पहला व्लॉग है लेकिन घूमने तो हम अक्सर जाते रहते हैं, तो टूर से रिलेटेड मैं आपको बीच बीच में दूंगी बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप्स। मेरा पहला टिप यही है कि जब भी आप टूर पर जाएं हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाएं। चलिए, आपसे बातें करते करते सब सामान हो गया है गाड़ी में पैक और हम सब भी हो गए हैं तैयार। हम पहले निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। चलिए गाइस, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। क्योंकि हम घर से कुछ भी खाकर नहीं आए थे, बिल्कुल खाली पेट आए थे, तो हरिद्वार पहुंचते ही पहले हम सभी ने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मम्मा ने घर से ही सैंडविचेस और चाय पैक करके दी थी, तो हमने उसी को एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हमने कुछ टाइम गुजारा हरिद्वार में। यह भारत देश का एक रिलीजियस प्लेस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आती है बहुत अच्छी वाइब्स। और देखिए, हरिद्वार में सुबह सुबह ही कितनी ज्यादा भीड़ है। और यह है हरिद्वार की प्रचलित हर की पौड़ी। गाइस, हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने तो यहाँ डुबकी लगानी है, लेकिन अभी टाइम था सुबह का और पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, तो यहाँ डुबकी तो हमने नहीं लगाई। लेकिन हरिद्वार जाकर साक्षात गंगा मैया के गंगा जल को स्पर्श करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। गाइस, हरिद्वार जाके आत्मा को और मेरी आँखों को जो सुकून मिला ना, मैं अपने शब्दों से उसको बयां नहीं कर सकती। चलिए, फिलहाल हरिद्वार में 1 से 1.5 घंटा व्यतीत करने के बाद हम निकल लिए थे ऋषिकेश की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश जाते ही हमारा प्लान हुआ कि चलो राफ्टिंग करते हैं, और यह हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ राफ्टिंग के रेट स्टार्ट हो जाते हैं 800 रुपये पर हेड से, लेकिन अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप यहाँ रेट्स को काफी डाउन करवा सकते हैं। राफ्टिंग से पहले हमसे यहाँ एक फॉर्म भरवाया गया था जिसमें साफ लिखा था कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसकी हमारी जिम्मेवारी है, यानी कि जो राफ्टिंग कर रहा है। सबसे पहले आपको पहनाएंगे लाइफ जैकेट्स और हेलमेट। आपको इसका भी ध्यान रखना है, हेलमेट और लाइफ जैकेट्स बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी या खराब नहीं। राफ्टिंग के फर्स्ट एक्सपीरियंस में हमने ऑब्जर्व करा कि इस दौरान हमारे कपड़े बिल्कुल पतले होने चाहिए, क्योंकि राफ्टिंग के दौरान कपड़ों का गीला होना तय है। गाइस, हमें पता नहीं था और ना ही हमें बताया गया था कि हमें अपने साथ फोन, चश्मा या ऐसी कोई भी चीज साथ नहीं लेके जानी जो बह जाए। फिलहाल हम तो ले आए थे, लेकिन आप अगर राफ्टिंग करें तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। चलिए, फिलहाल हम तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राफ्टिंग के लिए हो गए थे बिल्कुल तैयार। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, वेरी गुड। चलिए, तो हमारा फर्स्ट रैपिड आ रहा है। राफ्ट में बिठाने के बाद गाइड ने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए पहले हमसे करवाया हिप हिप हुर्रे। चलिए, पता नहीं उससे हमारा हौसला बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन इन लहरों ने हमें सच में बहुत ज़्यादा डरा दिया था।
गाइस राफ्टिंग के दौरान आपसे सभी सामान गाइड ले लेता है, जैसे पर्स, फोन, चश्मा या कुछ भी आपके पास हो जिसका बहने का डर हो, वह सब सामान गाइड अपने पास जमा कर लेते हैं। अगर आपको यह सब कुछ सेफ नहीं लगता तो आप अपना सामान पहले ही अपने रूम में या अपनी गाड़ी में रख कर आ सकते हैं। गाइस यहाँ एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सभी फोन्स गाइड अपने पास रख लेता है, तो यह शूटिंग होती है गाइड के अपने गोप्रो से, लेकिन इस राफ्टिंग की शूटिंग को शूट करने के लिए यह बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग करके काफी हद तक इस रेट को डाउन कर सकते हैं। चलिए यह तो कुछ टिप्स थे, बाकी हमारा राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि गाइड ने हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी हमने उनको अच्छे से फॉलो किया था। गाइस मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों में से जो भी कभी ऋषिकेश आना चाहेगा एक बार राफ्टिंग का एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको रिवर डाइविंग का शौक है तो राफ्टिंग के दौरान गाइड आपको रिवर डाइविंग का एक मौका जरूर देते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है पानी से, तो यहाँ गोयल साहब ने और मेरे ब्रदर ने पूरा लुफ्त उठाया था रिवर डाइविंग का। गाइस यहाँ 3 से 4 घंटे बिताने के बाद हमें लग गई थी बहुत तेज भूख। हम फिलहाल पहुंच गए थे बर्गर किंग, जहाँ पे हमने एंजॉय किया बर्गर। खाना पीना करने के बाद हम पहुंच गए थे राम झूला पर। गाइस हम राम झूला पर बहुत ज्यादा शूटिंग नहीं कर पाए और हम यहाँ बहुत देर तक टहलते रहे, यह सोचकर कि यह लक्ष्मण झूला है। हमें किसी ने बाद में बताया लक्ष्मण झूला दूसरा है, यह तो राम झूला है। गाइस राम झूला पर टहलते टहलते हमें काफी देर हो गई थी, हम निकल पड़े थे रात के डिनर के लिए। गाइस जहाँ हमने रूम लिया था उन लोगों ने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप जाइए ऋषिकेश के फेमस राजस्थानी गृह एवं भोजनालय में, जो ऋषिकेश की मेन मार्केट में ही है। गाइस अगर कम शब्दों में बयां किया जाए तो इस रेस्टोरेंट में आपको सब कुछ खाने को मिल जाएगा, साउथ इंडियन, इंडियन, चाइनीज, स्वीट्स, एवरीथिंग। और यह बात यहाँ की भीड़ को देख के आप समझ ही सकते हैं, इनके खाने की क्वांटिटी, क्वालिटी और इनके सर्व करने का तरीका लाजवाब है। चलिए फिलहाल यहाँ से खाना पीना खाकर हम पहुँच गए थे अपने रूम में। गाइस आज का दिन तो बहुत अच्छा बीता, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, यह है हमारा नेक्स्ट डे और हम आज जा रहे हैं देवप्रयाग के लिए। सभी जने रेडी होकर पहुंच गए हैं गाड़ी पे, लेकिन मैं हूँ लेट लतीफ, मैं सबसे पीछे तैयार होके आ रही हूँ। देखो मेरा भाई हंस रहा है ये कहकर और सो जाती थोड़ी देर। गाइस रोज की सुबह तो देखते हैं हम अपने घर में, लेकिन आज की सुबह जब ऋषिकेश में देखी तो दिल बाग बाग हो गया सच में। यहाँ की सुहानी सुबह, चहचहाते पक्षी और सुहावनी हवा और पहाड़ों के बीच में ऐसा महसूस हुआ जैसे समय अभी रुक जाए, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सकता। चलिए हमें निकलना था देवप्रयाग के लिए, तो हम यहाँ के सुहावने मौसम और सड़कों का आनंद लेते हुए निकल लिए थे, लेकिन अभी हमें करना था ब्रेकफास्ट, तो हम सबने डिसाइड किया था कि हम किसी बंद जगह पर नहीं खुले आसमान के नीचे पहाड़ों के बीच में बैठकर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो हम उसी की तलाश में चारों तरफ देखते हुए निकल लिए थे आगे। तभी हम ऋषिकेश से देवप्रयाग के रास्ते के लिए निकले ही थे कि हमें एक स्टॉल नजर आया जिसका नाम था सोनाक्षी भोजनालय, और यहाँ हमने किया ब्रेकफास्ट। गाइस इस छोटे से स्टॉल पर इनके पास थी बहुत ज्यादा वैरायटी। फिलहाल हमें तो करना था ब्रेकफास्ट, तो हमने यहाँ ऑर्डर किए थे आलू के पराठे, गोभी के पराठे और मसाला मैगी, और हम सब हैं चाय के चटोरे, तो चाय तो डेफिनेटली बनती थी। और गाइस यहाँ पर खुले आसमान के नीचे वादियों के बीच में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का आनंद माइंड ब्लोइंग था।
वैसे तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलने वाले थे सीधे देवप्रयाग के लिए, लेकिन इस स्टॉल वाले भैया ने ही हमें बताया कि ऋषिकेश से 21 किलोमीटर दूरी पर देवप्रयाग के रास्ते में आपको एक जगह आएगी जहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। हमने वहाँ जाके देखा तो वाकई में बहुत ही सुंदर जगह थी और यहाँ चारों तरफ चल रहा था प्री वेडिंग शूट। गाइस, वैसे तो हमारा प्लान ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे देवप्रयाग के लिए जाना था, लेकिन जब हम इस जगह पर आए तो 2-3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चलिए, यहाँ पर हमने फुल एंजॉय किया। हमने यहाँ ATV बाइक्स का भी मजा लिया, नदी के किनारे बैठने का भी। गाइस, सच मानिए हम यहाँ आकर भूल ही गए थे कि हमें आगे देवप्रयाग भी जाना है। और यहाँ हमने बनाई ढेर सारी रील्स। गाइस, मैंने वो रील्स अपने इंस्टाग्राम पेज पर और अपने चैनल पर दोनों पर ही अपलोड कर दी हैं। आप प्लीज एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ ढेर सारी मस्ती करने के बाद फाइनली हम निकल गए थे देवप्रयाग के लिए। और गाइस, देवप्रयाग का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फाइनली हम पहुँच गए थे देवप्रयाग। गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ के बारे में किसको नहीं पता, चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में एक स्थित नगर है और यह पंचप्रयाग में से एक है। गाइस, यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है और यह संगम आगे जाके गंगा मैया कहलाती है, यानी गंगा नदी भी। जहाँ हम हैं वहाँ से हम बिल्कुल सामने संगम होते देख सकते हैं। और गाइस, यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। गाइस, मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, यहाँ कलकल करती बहती नदी और उसके ऊपर झूलता हुआ पुल, जाने कैसे यहाँ पर लोग सरवाइव करते हैं। और देखिए, इस संगम के ऊपर ही है छोटे बच्चों का स्कूल। चलिए, काफी देर एंजॉय करने के बाद अब आई बारी डुबकी लगाने की। तो गाइस, मैंने तो यहाँ पर भी डुबकी नहीं लगाई, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने बोला, चलो पानी चाहे जितना भी ठंडा हो, मैं तो डुबकी लगाए बिना नहीं मानूंगा। मैं तो इस पानी की तेज रफ्तार से ही बहुत ज्यादा डर रही थी। हम सब ने भी पानी में काफी देर एंजॉय किया और यहाँ से हमने अपने लिए गंगा जल भी भरा। गाइस, हमें वहाँ पर आवाज आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ नदी के तेज बहाव की। देवप्रयाग संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। गाइस, देवप्रयाग के संगम तट पर 1.5 से 2 घंटा व्यतीत करने के बाद अब हमें डिसाइड करना था कि हम यहाँ से आगे जाएं या घर वापस। गाइस, देवप्रयाग से आगे जिस जगह हम घूमने जाने की सोच रहे थे वह जगह थी चौपाटा, और वो यहाँ से 3 से 4 घंटे की दूरी पर थी और हमें देवप्रयाग में ही 3:30-4 बज गए थे। तो हमने प्लान किया कि हमें आगे जाने का कोई फायदा नहीं होगा, हमें यहीं से वापस घर चलना चाहिए। तो हमने ऐसा ही किया। तो देवप्रयाग से वापस निकलते निकलते हमें वहीं पर ही 5 बज गए थे, तो लंच का टाइम तो निकल गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस ऋषिकेश जाकर उसी रेस्टोरेंट में डिनर करके वापस घर को चल देंगे। जैसा हमने सोचा था, हमने रात का डिनर राजस्थानी गृह जलपान एवं भोजनालय में किया। गाइस, हमारा टेबल रिजर्व था, हमने अपना टेबल इस बार टेरेस पे बुक किया था।
क्योंकि टेरेस पे बैठकर खाने का कुछ अलग ही मजा था। और यहाँ से ना चारों तरफ का नज़ारा इतना अच्छा दिख रहा था, सारी मार्केट दिख रही थी और सारा ऋषिकेश दिख रहा था। और गाइस आज भी इस रेस्टोरेंट में कल के जितनी ही भीड़ थी। वहां से खाना पीना खाकर हम निकल लिए थे अपने घर के लिए वापसी। और देखिए रास्ते में हरिद्वार ब्रिज को कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली हम निकल गए थे वहां से अपने घर के लिए और हमने गाड़ी की ब्रेक सीधे अपने घर पर आकर मारी। और ये क्लिप है सुबह की, अरे नहीं सुबह की नहीं, 11:30-12 बजे की, क्योंकि रात को ही इतना लेट पहुंचे थे तो सुबह भी लेट उठे। फिर मैंने बैठकर थोड़ी सी देर अपना काम खत्म किया। गाइस ये था मेरा टूर ब्लॉग। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।